अप्रैल 7, 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया कि कंज्यूमर कोर्ट्स के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकती हैं उस बिल्डर को जो अपनी सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंट है, जिसने जो अपार्टमेंट जो है एक डेट के ऊपर देना था एज पर द एग्रीमेंट और वो अपार्टमेंट नहीं दिया, तो कंज्यूमर कोर्ट्स के पास पावर हैं कि वो उस बिल्डर को डायरेक्ट कर सकती हैं किस चीज़ के लिए, टू रिफंड द अमाउंट एंड टू कंपनसेट टू द कंज्यूमर। देखिए अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मैंने वर्ड यूज़ किया सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट। देखिए हमारे देश के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर जो है कंज्यूमर कोर्ट्स बनी गई हैं। वो जो उसका पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से कि कितने पैसों का मुकदमा है, उतनी बड़ी ही जो है कंज्यूमर की जो अदालत है वो उस मुकदमे को देखेगी। उसी के हिसाब से इसी मुकदमे के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बड़ी चीज़ जो बताई कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और जो रियल इस्टेट एक्ट है, उसके अंदर अगर चाहें तो दोनों अलग अलग कंप्लेंट्स भी जो है कंज्यूमर के पास राइट है। दोनों कंप्लेंट्स जो हैं वो जो कंज्यूमर चाहे तो वो उस बिल्डर के खिलाफ फाइल कर सकता है। अगर मैं देखिए इस केस के अगर फैक्ट्स की डिटेल्स की बात करें तो 2012 के अंदर कंज्यूमर ने सेक्टर 112 गुड़गांव के अंदर एक फ्लैट बुक किया था। जब भी देखिए फ्लैट बुक होता है तो एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं। तो उसी अग्रीमेंट के अंदर जो है एक टर्म थी, कंडीशन थी, जिसके अंदर लिखा गया था कि बिल्डर को इस कंज्यूमर को विद इन 42 मंथ्स जो है वो पोजेशन देना था, जो कि बिल्डर फेल हो गए थे और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के अंदर जिसको काउंट किया गया था। इसी को चलते, इसी को देखते हुए नेशनल कमीशन के अंदर कंज्यूमर ने केस फाइल किया गया। देखिए इस प्रॉपर्टी की, इस अपार्टमेंट की वैल्यू जो थी वो 2 करोड़ प्लस थी, इसीलिए ही जो नेशनल कमीशन के अंदर डायरेक्ट ये जो है कंज्यूमर ने केस फाइल किया था। इसके अंदर जो है नेशनल कमीशन ने 19/6/2019 के अंदर ऑर्डर पास करते हुए कहा कि जो है बिल्डर जो है वो डेफिशिएंसी है सर्विसेज के अंदर, जो कि फ्लैट जो है प्रॉपर टाइम पर देना चाहिए था वो नहीं दिया। इसके अंदर नेशनल कमीशन ने जितनी भी अमाउंट कंज्यूमर ने डिपॉजिट की थी, बिल्डर को दी थी, वो रिफंड करने के साथ साथ 9% पर एनम इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पर डायरेक्शन पास की गई। इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए नेशनल कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए बिल्डर जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है अपील बिल्डर की डिसमिस करते हुए कहा दैट द नेशनल कमीशन इज करेक्ट इन इट्स अप्रोच इन होल्डिंग दैट द क्लोजेज ऑफ द अग्रीमेंट आर वन साइडेड एंड दैट द कंज्यूमर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट एंड कैन सीक रिफंड ऑफ द डिपॉजिटेड बाय हर विद द इंटरेस्ट। तो अगर कंज्यूमर जो चाहे विद इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, कंज्यूमर जो चाहे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर प्रेयर कर सकता है कि उन्हें फ्लैट जो है अब इस टाइम पर नहीं चाहिए, उन्हें जो रिफंड चाहिए विद इंटरेस्ट उनकी अमाउंट का जो उन्होंने पे किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट अंशुल बजाज।